एंड जॉयस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नीलोफर शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। सो हम आज लेके आए हैं अंडे के फंडे। नहीं, ये खाने वाले अंडे नहीं हैं, ना ही मारने वाले हैं। हम अंडे को एक डिफरेंट वे से हमारे फेस पे ट्राई करेंगे। और हर कोई चाहता है कि हम हमारी एज से काफ़ी यंग दिखे। सो हमने अंडे को बहुत बार फेस पर ट्राई किया है अलग अलग मेथड्स के साथ, बट आज हम यूज़ करने वाले हैं, हम इसे एक डिफरेंट मेथड में यूज़ करेंगे और कुछ और उसमें मिक्स करके, ताकि जो हमारे पोर्स ओपन है वो श्रिंक हो जाए, सेकेंड के हमारा फेस लिफ्ट हो जाए। और ये करने से हमको एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है, लाइक अ बेबी सॉफ्ट स्किन मिलती है। तो ऑब्वियसली हम यंग दिखेंगे ही। तो आपकी जो भी एज हो, कोई इशू नहीं है इसमें कि आप 40 हो, 50 हो, 30 हो, 35 हो, नो इशू। बट आप इसे अगर प्रॉपर्ली यूज़ करते हो, जैसा मैं बताऊंगी, तो लिटरली आपके फेस में डिफरेंट आएगा। आपकी एज से आप कम दिखोगे। ये बहुत अच्छा फेस मास्क है। आपको इसको 15 दिन में एक बार यूज़ करना है। जैसे कि हर कोई चाहता है कि हम अच्छे दिखे, यंग दिखे, हमारा फेस अच्छा दिखे। और स्पेशली हम लड़कियाँ कि हम हमारे फेस को लेके बहुत ही वरीड होती है। हम हमारे रिंकल्स को लेके, अगर चेहरे पे एक पिंपल्स आ जाए या स्पॉट रह जाए, तो हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार इसे ट्राई करिए एंड आप खुद अपने फेस में इफ़ेक्ट देखोगे। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अंडे को हमने बहुत बार यूज़ किया है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंडे के क्या बेनिफिट्स होते हैं। बट एक बार जैसा मैं बता दी हूँ, उस वे में आप यूज़ करके देखिए, यू डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फेस मास्क। सो स्टार्ट। सो या हमें हमारा यंगर लुकिंग फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले लगेगा एग। हम एग के बिना हमारे फेस को यंग नहीं दिखा सकते, तो हम एग लेंगे। उसके बाद हमें लगेगा वैसलीन। तो आपके पास जो भी वैसलीन हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन हमें लगेगा टिशू। तो मेरे पास ये किचन रोल टिशू है, जिसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो हम प्रिपरेशन तैयार करते हैं पहले। सो आप देख सकते हो मैंने एग का येलो पार्ट लिया है, जैसे कि मैंने बताई थी कि हम येलो पार्ट से हमारे स्किन को टाइट करेंगे। सो हमने इसका येलो पार्ट लिया है। देन हम इसे मिक्स करेंगे 1 स्पून वैसलीन। ये देखिए हमने वैसलीन ले लिया है। वैसलीन हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और सो हमें इसको इसमें अच्छे से मिलाना है। आपको इसके लिए टाइम लग जाएगा। सो आप अच्छे से मिला लीजिए इसे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये लगाने रेडी है। बट उससे पहले जो मेरे पास टिशू है, मैं टिशू को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कट कर लूँगी, ताकि मुझे लगाने में इजी हो। सो मैंने टिशू को ऐसे कुछ कट कर लिया है ताकि मुझे लगाने में इजी हो। तो अब हम रेडी हैं हमारा पैक लगाने के लिए। तो हम उसे एक ब्रश की हेल्प से लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पैक। सो मैं रेडी हूँ अपना पैक लगाने के लिए। बट उससे पहले अपने बालों को अच्छे से टाई कर लीजिए, ताकि जो छोटे बाल होते हैं वो आपके फेस पे ना आ जाए। अपने बालों को अच्छे से टाई कर ले। तो फर्स्ट क्वांटिटी लेके आप अपने फेस पे इसे अप्लाई करिए, लाइक दिस। आपको क्या करना है कि आप वो टिश्यू का जो हमने कट किए थे, टिश्यू के पीसेस, आप उसके ऊपर ऐसे लगाते जाए। देन इसके ऊपर फिर अप्लाई करिए आपका पैक। हम ऐसे ही अपने पूरे फेस पे कलर लगाएंगे। ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब टाइम है कि हम इसे रिमूव करें। तो हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ रिमूव करेंगे, जिससे जो हमारे एक्सेस हेयर है फेस के वो भी निकल जाएंगे। आपको दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है, बहुत इजीली ये रिमूव हो जाता है। देख सकते हैं, सिर्फ इसको रिमूव करके हम मेरे फेस पर कितना ग्लो आ गया है। वाओ, इट्स गुड। मेरा फेस देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी क्लीन लग रहा है एंड ब्राइट भी लग रहा है। अब हम इसे वॉश नहीं करेंगे, हम लेंगे गर्म पानी, उसमें एक छोटा सा टॉवल डिप करके हम उसे क्लीन करेंगे। सो मैंने वार्म वाटर में इस रुमाल को डिप किया है। सो अब हम इससे इसे क्लीन करेंगे। अब इसको अच्छे से क्लीन करिए। सो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।